हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर केटीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे एक मित्र ने मैसेज किया है कि सर, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए या एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए, पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए क्या दवा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या, या बगैर दवा के भी इसका इलाज हो सकता है क्या? तो दोस्तों, मैं इस चीज़ को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि आप एक गड्ढे में गिरे, वो गड्ढा है 2 फीट का। तो 2 फीट के गड्ढे में अगर आप गिरे तो उस गड्ढे से बाहर निकलना आपके लिए बहुत आसान है, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप 8-10 फीट गड्ढे गहरे में गिरे हैं तो उस गड्ढे से भी आप थोड़ी बहुत मेहनत करके आसानी से बाहर आ सकते हैं। अगर आप 20-25 फीट गहरे गड्ढे में गिरे हैं तो उसमें आपको और ज्यादा मशक्कत लगानी पड़ेगी, और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उस गड्ढे से बाहर आने के लिए। अगर आप 40-50 फीट गहरे गड्ढे में गिरे हैं तो आसपास वालों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो अपने स्तर पर आपको बाहर निकाल लेंगे। अगर आप 80-90 फीट या 100 फीट गहरे गड्ढे में गिरे हैं तब आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट आएंगे वहां पे, वो अंदर कुछ सीढ़ी लगाएंगे या फिर कोई रस्सी डालेंगे जिसको पकड़ के आप बाहर आते हो, आप अपने स्तर पर बाहर नहीं आ पाते। दोस्तों, ये डिपेंड कर रहा है, गिरे तो आप गड्ढे में ही हो लेकिन गड्ढा कितना गहरा है, गड्ढे का स्तर कितना है, उस स्तर पर निर्भर करता है कि उससे बाहर आने की स्ट्रेटेजीज कौन सी होगी। आप अपने आप बाहर आएंगे, दूसरों की हेल्प से बाहर आएंगे या सीढ़ी से बाहर आएंगे। अगर गड्ढा कम गहरा है तो आप अपने आप बाहर आ सकते हैं। गड्ढे की अगर गहराई बहुत ज्यादा है तो आपको सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, और गड्ढे की गहराई थोड़ी कम है तो हो सकता है बाहर वाले अगर आपको कुछ रास्ता सुझाए समझाए तो आप उससे बाहर आ सकते हो। तो दोस्तों, डिप्रेशन भी यूं समझ लीजिए एक प्रकार का गड्ढा है। अगर डिप्रेशन कम स्तर का है तो उसमें, उससे बाहर आने के लिए हमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप ही उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन मॉडरेट लेवल का है तो काउंसलिंग और अन्य चीजों को करके भी हम इससे आसानी से बाहर आ सकते हैं। आप योगा कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप स्पोर्ट्स कीजिए, एक्सटर्नल एक्टिविटीज कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज कीजिए जिनके अंदर आपकी कॉन्शियस है वो बाहर की तरफ इंगेज होती है, तो इन सब चीजों को यूज करके आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन सिवियर स्तर का है, डिप्रेशन अगर सिवियरिटी उसकी बहुत ज्यादा है, मन के अंदर बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, खुद को नुकसान करने के थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ रहे हैं, या एंजाइटी का स्तर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी डे टू डे लाइफ पूरी तरह से हैम्पर हो रही है, उस स्थिति में उतने गहरे गड्ढे के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, वो उसी सीढ़ी की तरह है। उस सीढ़ी पर चलने के लिए, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको सीढ़ी को पकड़ना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे ऊपर आना पड़ेगा, या फिर रस्सी को पकड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे ऊपर आना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करने, ऐसा नहीं कह रहा कि वो सीढ़ी उस गड्ढे के अंदर डाल देना ही इस चीज का सॉल्यूशन, आप बाहर आ जाओगे, नहीं, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेकिन सीढ़ी की भी जरूरत पड़ेगी, हमें उस युक्ति की भी जरूरत पड़ेगी अगर सिवियरिटी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर एंजाइटी, घबराहट, पैनिक या फिर डिप्रेशन अगर सिवियर स्तर का है तो उसमें मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। और उसके साथ ही साथ हमें अपनी तरफ से भी अपने थॉट्स के अंदर चेंज लाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम अपने थॉट्स के अंदर चेंजेस नहीं लेके आते हैं तो हम इससे बाहर नहीं आ पाते। इसीलिए हमें एक जरूरत पड़ती है एक ट्रेनर की, एक थॉट ट्रेनर की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे थॉट्स को ट्रेंड करता है, मतलब जो हमें मोटिवेट करता है कि जो हमें गड्ढे से बाहर निकाल सकता है, जो गड्ढे से बाहर निकालने का हमें रास्ता सुझाता है। तो दोस्तों, आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि डिप्रेशन के अंदर मेडिसिन की आवश्यकता होती है नहीं होती, वो डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी के ऊपर। अगर कम सिवियरिटी का है, अगर गड्ढा छोटा है तो कोई जरूरत नहीं, आप आसानी से उससे बाहर आ सकते हैं। अगर गड्ढे की गहराई थोड़ी ज्यादा है तो कुछ काउंसलिंग या फिर मोटिवेशन से हम उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, हम अपने स्तर पर सारे उपाय कर चुके हैं जिसकी वजह से हम उससे बाहर नहीं आए, तो हमें मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न लोगों का ये होता है कि क्या सर, इसकी मेडिसिन हमेशा लेनी पड़ेगी? तो दोस्तों, एक बात बताएं मुझे कि अगर आप गड्ढे से बाहर आ गए हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी कि अब आपको सीढ़ी पकड़ने की जरूरत है क्या? जब आप गड्ढे से बाहर हैं तो आपको अब सीढ़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप डिप्रेशन से बाहर आ गए तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरा प्रश्न ये उठता है कि सर, भविष्य में अगर वापस जरूरत पड़ गई आगे तो दोस्तों, जो गड्ढा है, अगर आप जिस पार्क के अंदर घूम रहे हैं उस पार्क के अंदर जो गड्ढा है, उस गड्ढे को अगर बंद कर दिया जाए तो आप गड्ढों में गिरोगे नहीं, और जब गड्ढे में गिरोगे नहीं तो आपको सीढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरह से जिन कारणों की वजह से डिप्रेशन हुआ, जिन कारणों की वजह से एंजाइटी हुई, जिन कारणों की वजह से पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है, अगर उन कारणों को खत्म कर दिया जाए, मतलब उस कारणों को बूर दिया जाए, उन कारणों को बंद कर दिया जाए,
तो आप डिप्रेशन एंजाइटी में जाओगे नहीं, तो फ्यूचर में आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अल्टीमेट चीज ये है कि दोस्तों जो कॉज है उसको ट्रीट किया जाए। मेडिसिन की जरूरत पड़ती है अगर सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, अगर सिवियरिटी कम है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट से क्लियर हो जाए, सिवियरिटी के आधार पर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद अगर डिप्रेशन से बाहर आ गए तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, और तीसरा वापस डिप्रेशन में, हाँ अगर आपने कारणों को नहीं हटाया तो आप वापस डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे, पैनिक में चले जाओगे, लेकिन अगर आपने कारणों को चेंज कर दिया, जो भी हमारे डिस्टॉर्टेड बिलीव्स है, अगर हमने हमारे थॉट्स को करेक्ट कर लिया, ठीक कर लिया, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में गए थे वो ठीक हो गए, तो अब हमें डिप्रेशन में हम नहीं जाएंगे, हम पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, हम उससे बचे रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी, इस जानकारी को बार बार लिख लेवें, अपनी कॉपी में नोट कर लेवें और रोजाना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करें, तभी धीरे धीरे आपका इसके प्रति एक बिलीफ स्ट्रांग बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप चाहो तो मुझे Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा Facebook पेज है Dr.KTV नाम से और कन्हैया कछावा नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।